बट आपको भी पता है बोर्ड्स का सिलेबस और आपका आईआईटी जेईई मेंस का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से. सो दे वर डोंट वांट के हेलो एवरीवन, दिस इज निशी एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल. सो टुडे आई एम हियर टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विद ऑल द IIT JEE aspirants, especially with those students who are going to appear for the IIT JEE mains April session. एक session आपका January में हो चुका है, दूसरा session जो आपका है April में, जो बच्चे उसके लिए prepare कर रहे हैं और जो 12th के boards के साथ साथ अपने आप को IIT JEE mains April वाले session के लिए appear करवा रहे हैं, उन सभी के लिए एक हमने एक crash course start किया है which is specially based on the IIT JEE mains syllabus only. ठीक है, जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स इन ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन मोड. तो दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस बैच कैन रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम 11th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स. आपको भी पता है कि जनवरी वाला सेशन हो चुका है आपका मेन्स का सेशन, ओके. दूसरा सेशन आपका है अप्रैल में. कुछ बच्चे हैं जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक रही या अच्छे परसेंटाइल वो अटेन नहीं कर पाए, उन सभी को अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करने के लिए अपने, हो सकता है कुछ बच्चों ने जनवरी वाला सेशन भी ना दिया हो किसी भी कारणों के कारण, ठीक है. तो अब उनके पास मौका है अप्रैल वाले सेशन में खुद को अपियर करने का, और साथ साथ वो बच्चे भी जो बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे बट किसी भी तरीके से वो जनवरी वाला सेशन नहीं दे पाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोर्ड्स के साथ साथ अपने खुद आईआईटी जेईई मेंस जनवरी वाले सेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे. बट आपको भी पता है बोर्ड्स का सिलेबस और आपका आईआईटी जेईई मेंस का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से. सो दे वर डोंट वांट के इनका जो सिलेबस और जो प्रिपरेशन हो वो मिक्सड अप हो. पहले उन्होंने बोर्ड के एग्जाम पे ध्यान दिया अपने, अब बोर्ड के एग्जाम खत्म होने वाले हैं तो ऑब्वियसली अब वो अपने आप को अप्रैल वाले सेशन में वो देंगे, ठीक है. सो अप्रैल सेशन हम दे क्या रहे हैं, जो मैंने बता दिया आपको 11th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपको क्या क्या हम दे रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स इन ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन मोड, ओके. सो डेली क्लासेस होंगी आपकी, आप इस बैच को लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, आप फिजिकल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो सेंटर्स पे आके. फैकल्टीज जो रहेंगी आपकी दे ऑल आर IITians एंड डॉक्टर्स जिनका खुद का एक्सपीरियंस है, दे ऑल आर IITians themselves, ठीक है. तो ऑब्वियसली यू कैन थिंक दैट कि अगर कोई IITian आपको कोई गाइड करेगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों से गुजर के आए हैं जो जो IIT में उन्होंने फेस की थी, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी, जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी वो अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो बहुत हद तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. फिर आपका टेस्ट सीरीज, हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हो. प्रिपरेशन के बाद में ऑब्वियसली आप अपने आप को जज भी करोगे कि आप कहाँ पे लाए कर, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या स्केलिंग है आपकी का. तो ऑब्वियसली सारे कोर्सेज होने के बाद हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक है. स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो आपको स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करवाएंगे IIT JEE मेंस के सिलेबस पे, जो भी स्टडी जो भी नोट्स होंगे, जो भी PDFs होंगी, जो भी DPPs होंगे, वो सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे. एंड ये जो बैच होगा वो आपके जो मेन सेशन है अप्रैल वाला उस तक तब तक चलेगा, एंड उसके बाद हम एडवांस का बैच भी जो है स्टार्ट करवाएंगे अपना, फाइन. सो दिस वॉज अ इन्फॉर्मेशन. Those who wants to join this batch for April session, especially for those like 12th passed out and the 12th appearing students, IIT JEE mains aspirants, so they can join as soon as possible. Registrations are already started, so don't be late. Thank you so much.